स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे वसीम नैनीताल। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गुरु रुस्को डैम, ये जो बाजपुर से कुछ अंदर पड़ता है, लगभग 12-15 किलोमीटर अंदर है। ये गुरु रुस्को डैम है, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं। तो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको पूरा दिखाएंगे, बोटिंग करके भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर कौन कौन सी खूबसूरत जगह हैं वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो आप ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। जो आप बोटिंग करेंगे देख सकते हैं, किराया लेकिन बहुत महंगा है, क्या करें, मोदी जी की सरकार है। तो ये रास्ता है लेकिन नीचे जाने का, ये पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आए हैं, देख सकते हैं ये बोटिंग है यहाँ पर, ये पैडल बोर्ड है, ये मोटर बोर्ड है, इसमें स्पीड वाली भी है और नॉर्मल स्पीड वाली है। मैंने तो नॉर्मल स्पीड वाली ली है क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग हैं इस वजह से। ये सेफ्टी किट है, पुराना रास्ता आप डूबने वाले हो तो ये आपको बचा लेगा, लाइफ जैकेट। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ी फास्ट बोट है, इसका किराया थोड़ा महंगा, 250 रुपये पर पर्सन है इसका किराया। 10 मिनट आपको घुमाएगी, 10 मिनट के बाद आपको यहीं पर फेंक देगी। ये देखिए पर्यटक वगैरह, मेरी फैमिली भी है साथ में। तो आप मेरी वीडियो देखना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, लाइक भी करना। घंटा ही बजा किया है और ये लाइफ जैकेट मैंने पहन ली है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। ये देखिए हम उतर रहे हैं पानी, बोट में बैठने के लिए उतर रहे हैं नीचे की ओर। ये हिल भी रहा है, मजा आ रहा है इसमें। बिल्कुल शायद ये बोट है हमारी जिसमें हम बैठे, नाम है इस वाली बोट में बैठना है हमें। तो बाकी हम बैठने के बाद बताते हैं जब चलेगी। सकते हैं हमारी बोट स्टार्ट हो गई है, कैसा लग रहा है इसमें बैठने के लिए, थोड़ी देर बाद ही चलेगी लेकिन ये नॉर्मल स्पीड है जिसमें बैठा हूँ। हाई स्पीड के लिए वो अलग अलग बोट करनी पड़ती, साथ में बच्चे थे तो इस वजह से हमने करी नहीं। चलो ये देख सकते हैं बोट स्टार्ट हो गई है, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देख सकते हैं कि हमारी बोट चलने लगी है, क्या खूबसूरत नज़ारा है चलने में। और हाय कह दो, आर्श हाय कह दे, हाय कर दे, हाय।
तो चल रही है, वो देखिए। आयशा हाय कर दो बेटा, है ना भैया, आके ये देखो फास्ट वाले नाव, ये है सॉरी बोट, ये देखो फास्ट वाली बोट ही है, इसमें लेकिन कमजोर दिल वाला ना बैठे, घबरा जाएगा। इतनी दूर हो गए, बोट वाले हैं, बोट वाले भैया हैं ये जो चला रहे हैं। मैंने तो कहा इनसे कि मैं चला लूँगा, इन्होंने कहा नहीं हम ही चलाएंगे, तुम नहीं चला सकते। हम पहुंचने वाले हैं अपने स्टेशन पे जहाँ से हम बैठे थे। बीस मिनट एकदम ही होगा, पता भी नहीं चला, लेकिन हमने फैमिली के साथ आऊंगा तो इसी बोट का बैठ तेज चलती बोट। हम पहुंचने वाले हैं